दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, चूंकि ये नेटवर्क प्लस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी या टोपोलॉजी के बारे में। तो वीडियो को ज्यादा डिले न करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टोपोलॉजी होती क्या है। तो आज का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है। सो द टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजी। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं टोपोलॉजी कहते किसको है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपके सामने एक पिक्चर भी चल रही है जो अलग अलग शेप और साइज में आप अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज को प्रेजेंट कर रही है और एक्सप्लेनेशन है आपके सामने, जिसमें सबसे पहला एक्सप्लेनेशन बताता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट और स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। यदि आपका इंटरव्यूअर आपसे सवाल जवाब कर रहा है और सवाल जवाब में कहीं टोपोलॉजी आपके सामने आ जाता है और वो पहला क्वेश्चन आपसे करता है कि कैन यू डिफाइन मी प्लीज व्हाट इज टोपोलॉजी एग्जैक्टली, तो टोपोलॉजी आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये जो पहला ओवरव्यू है, पहला ओवरव्यू का जो पहला फुल स्टॉप है उतना ही सफिशियंट है आप इंटरव्यू में बोल देते हैं तो, क्योंकि पहला ही पैराग्राफ का जो पहला ही पॉइंट है वो ये बताता है कि टोपोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर्स टू द लेआउट और स्ट्रक्चर, क्योंकि लेआउट और स्ट्रक्चर को ही टोपोलॉजी को कहा जाता है। कंडीशनली जब आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हो तो कंप्यूटर नेटवर्क कई अलग स्टाइल्स में आप बना सकते हैं, मतलब जब आप कंप्यूटर नेटवर्क बनाने जाते हो तो कई अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू कई अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं आपके पास, कई अलग अलग तरीके होते हैं कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ने के, और उसी जोड़ने के तरीके को मीन्स लेआउट या स्ट्रक्चर को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। डिफाइनिंग हाउ डिवाइसेज आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, मतलब टोपोलॉजी बताता है कि डिवाइसेज आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं या कैसे जुड़ती हैं या कैसे जोड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद उनमें डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा। ठीक है, तो ये पहला ओवरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे ओवरव्यू में बिल्कुल वन लाइन डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको भी बोल सकते हैं। टोपोलॉजी इज अ काइंड ऑफ टेक्निक टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस फिजिकली, कंप्यूटर और डिवाइसेस को भौतिक रूप से आपस में एक दूसरे से जोड़ के जो नेटवर्क बनाया जाता है उसी को टोपोलॉजी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके इस सारे एक्सप्लेनेशन को टाइमली नोट डाउन करते चले, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी बेसिकली इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े। तो ये पहली स्लाइड है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि टोपोलॉजी कहते किसको है। ओके, सो बहुत ही सिंपल ओवरव्यू दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशंस या शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं जो इजिली आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, इजिली आप पढ़ के समझ भी सकते हैं। सो बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, समझते हैं टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है। सो द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। आपके सामने कुछ पिक्चर्स भी शो हो रही हैं, किस प्रकार से वो टोपोलॉजी बनती है उनकी पिक्चर्स आपके सामने बिल्कुल डिस्प्ले हो रही है। साथ के साथ सेवन स्टाइल्स ऑफ टोपोलॉजीज आपके सामने मेंशन है, इंक्लूडिंग बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। तो ये सेवन स्टाइल्स ऑफ टोपोलॉजीज हैं, इतना बेसिकली पूछा नहीं जाता है कहीं पे, बट आपको जब पढ़ना होता है तो आप सारी स्टाइल्स सारे टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टोपोलॉजी के सेवन पॉइंट्स हैं माय डियर फ्रेंड्स, या कहें कि सेवन प्रकार की डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोपोलॉजीज होती हैं, इंक्लूडिंग बस, स्टार, रिंग, मैश, हाइब्रिड, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। अब इन टोपोलॉजीज के वन बाय वन एक्सप्लेनेशंस में हम जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले समझते हैं बस टोपोलॉजी कहते किसको है। बस टोपोलॉजी आपके सामने जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है उस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक मेन केबल है और उसी मेन केबल से सारे कंप्यूटर्स जुड़ रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क लेआउट वेयर ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक। सिंगल शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे माउस पॉइंटर को फोकस करेंगे तो यहां पे एक सिंगल केबल आपको नजर आ रही है। इस सिंगल केबल से ऊपर तीन कंप्यूटर, नीचे दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, मतलब ये जो मेन वाली केबल है यही सारा रोल प्ले कर रही है। मतलब बस टोपोलॉजी के अंतर्गत एक सिंगल केबल होती है, वो केबल कोएक्सियल होती है और बेसिकली कोएक्सियल केबल को आप बैकबोन भी बोलते हैं। बस टोपोलॉजी के अंतर्गत इस केबल को बैकबोन भी बोला जाता है और इसे ट्रंक भी बोला जाता है। मेनली जो केबल होती है वो होती है कोएक्सियल केबल। तो एक सिंगल केबल के माध्यम से जब सारे कंप्यूटर कनेक्ट हों तो उसे बस टोपोलॉजी कहा जाता है।
और ये सारे कंप्यूटर सिस्टम जो है एक लीनियर वे में, मतलब सीधी रेखा के रूप में कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में डिस्प्ले हो रहा है, एक लंबी केबल डली हुई है, उस केबल को कट कर करके बीएनसी टी कनेक्टर्स लगाए गए हैं और कंप्यूटर को जोड़ा गया है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क लेआउट वेयर ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल शेयर्ड लिंक। मतलब एक सिंगल शेयर्ड लिंक है, मतलब एक सिंगल शेयर्ड केबल है और इसी केबल के माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लीनियर वे में, ठीक है। दूसरे एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन द बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल, मतलब सारे कंप्यूटर एक सिंगल केबल में कनेक्ट होते, सिंगल केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं इन लीनियर वे, मतलब एक सीधी रेखा के रूप में। आप देखे हैं, आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो टोपोलॉजी एक लीनियर वे में है, मतलब एक सीधी रेखा के रूप में केबल डली हुई है और उसी से कट कट करके कंप्यूटर्स जोड़े गए हैं। तो बेसिकली लीनियर वे में ये टोपोलॉजी होती है और जो केबल होती है, द केबल इज कोएक्सियल केबल, आपको यहाँ पिक्चर में मेंशन किया गया है। तो जो ये केबल है वो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल को आप बैकबोन भी बोल सकते हैं। इस बस टोपोलॉजी में इसको बैकबोन बोला जाता है और इस बस टोपोलॉजी में ही इसको ट्रंक बोला जाता है। तो बेसिकली हमने बस टोपोलॉजी के दोनों ही एक्सप्लेनेशन कवर कर लिए गए हैं। कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली बताया गया है कि बस टोपोलॉजी में जो केबल यूज हो रही है वो कोएक्सियल केबल यूज हो रही है, और कोएक्सियल केबल में जो हम कनेक्टर यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल में जो हम कनेक्टर यूज करते हैं वो करते हैं बीएनसी कनेक्टर, जो कि टी फॉर्म में होता है। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो केबल को यहां कट करके कनेक्टर लगाया गया है और ये एक तरीके से टी शेप ले रहा है, इसलिए बीएनसी को टी कनेक्टर बोला जाता है। और आप यहां पे लास्ट वन देखेंगे, तीसरे नंबर पे टर्मिनेटर दिया हुआ है। तो यहां पे केबल के दोनों एंड पॉइंट पे ये जो आप सर्कल देख रहे हैं या ये डॉट्स जो नजर आ रही हैं, ये एक तरीके से केबल को ब्लॉक किया गया है दोनों एंड पॉइंट से। तो बेसिकली टर्मिनेटर का काम है दोनों सिरे से केबल को ब्लॉक कर देना, जिससे कि कोई भी डेटा सिग्नल केबल के बाहर ना जा सके, मतलब आउट ऑफ केबल डेटा सिग्नल फ्लो ना कर सके, वहीं से रिफ्लेक्ट करके डेटा सिग्नल वापस केबल में रिवर्ट हो जाए। इसलिए ये पर्टिकुलर टर्मिनेटर दोनों एंड पे लगाए जाते हैं और ये टर्मिनेटर बेसिकली केबल्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बस टोपोलॉजी का मतलब यह है कि एक सिंगल केबल के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक लीनियर वे में, और इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी के अंतर्गत हम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। कोएक्सियल केबल में हम बीएनसी टी कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, और दोनों एंड साइड हम टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि केबल को ब्लॉक किया जाए। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। आपको वीडियो पॉज करना है माय डियर फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन और जितने भी ओवरव्यूज आ रहे हैं आपको नोट डाउन करना है, जिससे कि आप इजीली मेमोराइज करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी की तरफ माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं स्टार टोपोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे ज्यादा मैं आपको एक बात आश्वस्त कर दूं, ये टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे हर जगह इस्तेमाल की जाने वाली टोपोलॉजी है। मतलब है कि सारी टोपोलॉजी को आप एक साइड कर दें, स्टार टोपोलॉजी 100% यूज की जाती है। और स्टार टोपोलॉजी का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है, स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच। आपको पिक्चर में क्लियर हो रहा है, बीच में एक डिवाइस लगा है जिसको बोलते हैं सेंट्रल डिवाइस, और उस सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में हम यूज करते हैं हब या स्विच, और इसी हब या स्विच से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो आपका सेंट्रल डिवाइस प्ले कर रहा है, क्योंकि ये सेंट्रल डिवाइस सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होता है और उसी सेंट्रल डिवाइस के माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरे ओवरव्यू में क्या दिया है, इन द स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्ट विद अ सेंट्रल डिवाइस हब और स्विच। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन है, सेम एक्सप्लेनेशन है कि स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, और सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में हम यूज करते हैं हब और स्विच। कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस क्या होता है, जो मध्यान में यूज होने वाला डिवाइस है, मतलब ऐसा डिवाइस जिससे आके सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और उस पर्टिकुलर डिवाइस को बोलते हैं हब या स्विच। हब मोस्टली यूज में नहीं है, तो मोस्टली आज की डेट में हम स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैटर नहीं करता, हब और स्विच दोनों ही सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट हैं। दूसरी चीज,
इस टोपोलॉजी के अंतर्गत जो हम केबल यूज करते हैं वो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर के केबल की दो मुख्य कैटेगरी होती है, सबसे पहली है एसटीपी, दूसरी है यूटीपी। तो कंप्यूटर नेटवर्क की दुनिया में जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली जो स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत जो आप केबल यूज करेंगे वो ट्विस्टेड पेयर में या आप यूटीपी केबल करेंगे। आपने यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आप इसको यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। तो केबल का इस्तेमाल करेंगे हम ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी, और यूटीपी केबल में जो हम कनेक्टर यूज करते हैं वो करते हैं RJ45। जितने भी नेटवर्किंग के फेमिलियर स्टूडेंट्स होंगे वो RJ45 ट्विस्टेड पेयर सेंट्रल डिवाइस इन सब के बारे में बेसिकली जानकारी रखते होंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट होते हैं और उस सेंट्रल पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रल डिवाइस, और सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में हम यूज करते हैं हब और स्विच। आई होप सो आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे, सारी थ्योरी नोट डाउन करेंगे, इस तरीके से पिक्चर्स आप अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे सेंट्रल डिवाइस से जोड़ के सारे कंप्यूटर्स को, जैसा आपके सामने पिक्चर मेंशन हो रही है ऐसा सेम आप ड्रॉ कर लेंगे अपने कंप्यूटर में, जिससे आपको इजीली समझ कॉपी में जिससे आपको इजीली समझ में आए कि स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होता कैसा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी के ऊपर और बात करते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या है। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टोपोलॉजी है वो है स्टार, बाकी इसके बैकफुट पे सारी टोपोलॉजीज हैं, बट हम समझते हैं रिंग टोपोलॉजी कैसे कहते किसको है। रिंग जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिंग का मतलब एक गोला, मतलब एक लूप में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। आपके सामने पिक्चर भी दिख रही है, पिक्चर में सारे कंप्यूटर कनेक्ट भी हैं और एक दूसरे को डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे इमेजेस के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल प्रेजेंटेशन मिल रही है। तो रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है, रिंग टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग अ क्लोज लूप और रिंग। मतलब रिंग बनता कैसे है माय डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुने। जब आप कभी भी अपने कॉपी पे एक सर्कल बनाए, सर्कल बनाने में आपको क्या मिलेगा, पहला पॉइंट घूम के अंतिम पॉइंट से जब कनेक्ट होता है तो रिंग बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, इन दिस टोपोलॉजी बेसिकली रिंग टोपोलॉजी में होता क्या, इन दिस टोपोलॉजी फर्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट टू द लास्ट कंप्यूटर इन रिंग शेप। मतलब कोई भी इसमें पहला कंप्यूटर मान लीजिए, जैसे ये पहला कंप्यूटर मान लीजिए, ये घूम के जब अंतिम कंप्यूटर इस पहले वाले कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा तो रिंग बन जाएगा। तो बेसिकली रिंग का मतलब है कि पहला कंप्यूटर अंतिम कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी का निर्माण होता है। इस टोपोलॉजी में आप अलग अलग तरीके की केबल्स का यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में आप चले जाएं तो यहां पर ट्विस्टेड पेयर केबल का भी यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में आप RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और साथ के साथ यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल भी आप यूज कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल में आप SC/ST या LC टाइप ऑफ कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि रिंग टोपोलॉजी होती क्या है, तो सिंपली आपको बताना है इन द रिंग टोपोलॉजी फर्स्ट कंप्यूटर कनेक्ट टू द लास्ट कंप्यूटर इन अ रिंग शेप, और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो होते हैं उसमें आप बता सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ साथ ट्विस्टेड पेयर केबल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं तो आप RJ45 टाइप ऑफ कनेक्टर यूज करेंगे, यदि आप SC/ST टाइप ऑफ कनेक्टर यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने फाइबर ऑप्टिक केबल यूज किया हुआ है। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल आपके सामने बिल्कुल स्ट्रक्चर भी बिल्कुल प्रेजेंट कर रहा है, साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी वन लाइन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, इजिली आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन जरूर करें जिससे कि आप भविष्य के लिए तैयार हो सकें, डेफिनेशंस को मेमोराइज कर सकें और अपना बेहतरीन इंटरव्यू दे सकें, यदि वो इंटरव्यू कहीं से कहीं तक टोपोलॉजी को डेडिकेट करता है तो। माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी के ऊपर। अगली टोपोलॉजी है मैस टोपोलॉजी। माय डियर फ्रेंड्स, मैस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो इंटरनेट की दुनिया में 100% यूज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का जो नेटवर्क है, जो इंटरनेट का ये जाल है, जो इंटरनेट का जो वेब है, ये पूरा का पूरा इंटरनेट जो नेटवर्क कनेक्शंस आप बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैस टोपोलॉजी है। अब इसमें होता क्या है, आप ध्यान से देखें, मैस टोपोलॉजी फिजिकल भी होता है लॉजिकल भी होता है। मैस टोपोलॉजी दो अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले आप समझें मैस टोपोलॉजी होता क्या है। मैस टोपोलॉजी अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क। मतलब प्रत्येक कंप्यूटर अगले वाले कंप्यूटर से सेपरेटली जुड़ा होता है। सेपरेटली का मतलब है कि एक केबल दो कंप्यूटर के बीच यूज हो रही है, वो केबल तीसरे कंप्यूटर में साझा नहीं की जा रही है। मतलब हर एक कंप्यूटर के लिए एक सेपरेट केबल का इस्तेमाल किया जा रहा है
और उसी सेपरेट केबल के थ्रू सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो रही है, अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क, मतलब प्रत्येक डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, कोई इनडायरेक्ट जुड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स अगला कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया अ सेपरेट केबल और लिंक, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से सेपरेट केबल के थ्रू जुड़े होते हैं। माना कि यदि आपके नेटवर्क में चार कंप्यूटर हैं तो चारों कंप्यूटर में एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने के लिए एक सेपरेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का निर्माण होता है। और ये टोपोलॉजी दो तरीके से देखी जा सकती है, एक फिजिकल में एक लॉजिकल में। तो फिजिकल का मतलब है केबल वगैरह के माध्यम से कनेक्टिविटी बनाना है तो फिजिकल कनेक्टिविटी, और लॉजिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो आप बात करें इंटरनेट कनेक्टिविटी की। यदि आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आप यदि गूगल क्रोम के माध्यम से एक साथ साइमल्टेनियसली पैरेलली 7, 8, 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेबसाइट से डायरेक्टली जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है आपका एक कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट लिंक के माध्यम से अलग अलग सर्वर से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने गूगल ओपन कर रखा है, आपने एक ही गूगल क्रोम के डिफरेंट टैब पे आपने गूगल एक्सप्लोर कर रखा है, google.com, gmail.com, yahoo.mail.com, या आपने यूट्यूब खोल रखा है, या आपने कुछ भी खोल रखा है। ठीक है, तो आपका एक कंप्यूटर मल्टीपल सर्वर से डिफरेंट लोकेशन पर रखे हुए मल्टीपल सर्वर से मल्टीपल लिंक के थ्रू कनेक्ट है, मतलब एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़े हुए है पर इस कंप्यूटर और आप अगले वाले कंप्यूटर के बीच में एक सेपरेट कनेक्शन है, वो कनेक्शन कहीं किसी दूसरे वाले कनेक्शन में साझा नहीं हो रहा है। तो जहां पे एक कंप्यूटर अगले आने वाले सारे कंप्यूटर से सेपरेटली जुड़ा हो तो ऐसी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो इंटरनेट का जो एग्जाम्पल है माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट की दुनिया का जो एग्जाम्पल है वो पूरी तरीके से मैश टोपोलॉजी है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आप जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आप सेपरेटली उसको खोलते हैं और पैरेलली एक दूसरी वेबसाइट्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब है कि सारी वेबसाइट्स के बीच में आपका एक सेपरेट लिंक जुड़ा हुआ है तभी वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो रही है। तो डेफिनेशन में भी क्लियर है, इन दिस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्ट टू ईच अदर वाया अ सेपरेट केबल और लिंक, या तो आप सेपरेट केबल यूज कर रहे हैं जैसा इस टोपोलॉजी में दर्शाया गया है, या आप सेपरेट लिंक मतलब इंटरनेट के माध्यम से लिंक के माध्यम से आप कनेक्ट हो रहे हैं तो भी वहां मैश टोपोलॉजी हो रही है, फिजिकली कनेक्ट है केबल के माध्यम से तो भी वहां मैश टोपोलॉजी हो रही है। तो कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन यहां दिखा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में कॉमनली यूज ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, मतलब इस टोपोलॉजी को फिजिकली आप कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक केबल दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्विस्टेड पेयर यूज करें तो आप RJ45 टाइप ऑफ कनेक्टर यूज करेंगे, और यदि आप फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करें तो आप SCST कनेक्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। आई होप सो मैश टोपोलॉजी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी माय डियर फ्रेंड्स। सो बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी के ऊपर और समझते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी किसे कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉमनली यूज की जाने वाली टोपोलॉजीज है, अक्सर बड़ी इंडस्ट्री में हाइब्रिड टोपोलॉजी आपको देखने को मिल सकती है, कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी कंबाइंस टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज सच एज बस, स्टार, रिंग और मैश टू फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क, मतलब जब बहुत सारी आपके नेटवर्क में अलग अलग टोपोलॉजीज चल रही हो और उन सब टोपोलॉजीज को ज्वाइंट वेंचर में परफॉर्मेंस देना हो आपको, मतलब उन सारी टोपोलॉजीज को मिक्स फॉर्म में यूज करना हो तो मिक्स फॉर्म को ही हाइब्रिड कहा जाता है। तो दूसरे एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज, दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड के दो मुख्य एग्जाम्पल निकल के आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्टार टोपोलॉजी को बस के फॉर्म में कनेक्ट करना तो स्टार बस कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी को रिंग के फॉर्म में कनेक्ट करना स्टार रिंग कहलाता है। पिक्चर में आप देखें, आपके पास यहां पे पहली वाली पिक्चर स्टार बस को फोकस करें तो यहां पे एक स्टार टोपोलॉजी है, दूसरी स्टार टोपोलॉजी है, तीसरी स्टार टोपोलॉजी है, और तीनों स्टार टोपोलॉजी को एक लीनियर वे में मतलब एक ट्रंक केबल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो एक लीनियर वे में मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज कनेक्ट है तो वो स्टार बस कही जाएंगी।
यहां पे आप देखें दूसरी में स्टार रिंग में आपके पास एक स्टार टोपोलॉजी ये रही, एक स्टार टोपोलॉजी ये रही। अब दोनों टोपोलॉजीज को लूप में जोड़ दिया गया है, मतलब एक ट्रंक पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है, क्रॉस केबल लगा के पहली वाली स्विच को दूसरी वाली स्विच से डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। तो ये एक प्रकार से स्विच टू स्विच रिंग बन गया। तो ये स्टार टोपोलॉजी रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो गई। रिंग बनता कैसे है, पहला पॉइंट जब अंतिम पॉइंट से जुड़ जाता है तो उसे रिंग कहते हैं। यहां पे पहली स्विच जब अंतिम स्विच से जुड़ जाती है लूप के माध्यम से या फिर ट्रंक केबल के माध्यम से, क्रॉस केबल के माध्यम से या ट्रंक पोर्ट के माध्यम से, तो उसे बोलते हैं रिंग। तो यदि आपके पास मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज हैं और पहली वाली स्विच को घुमा के आप लास्ट वाली स्विच से कहीं ना कहीं जोड़ दे रहे हो तो वो स्टार टोपोलॉजी रिंग के फॉर्म में कनेक्ट हो जाती है और एग्जांपल निकल का था स्टार रिंग। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का इस्तेमाल तब हम करते हैं माय डियर फ्रेंड जब हमारे नेटवर्क प्रीमाइस में बहुत सारी अलग अलग टोपोलॉजीज काम कर रही हो और उन सारी टोपोलॉजीज को हम मिश्रित फॉर्म में लेके चल रहे हो, मिक्सचर लेके चल रहे हो, एक दूसरे को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूज कर रहे हो, तो ऐसी टोपोलॉजीज को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मुख्य दो उदाहरण है स्टार बस और स्टार रिंग। आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, आपके सामने पिक्चर्स हैं। ये प्रॉपर वीडियोस को पॉज करें और पूरा का पूरा पेज आप नोट डाउन करें जिससे कि आपको इजिली समझ में आ सके कि स्टार बस और स्टार रिंग का आर्किटेक्चर बनता कैसे है और ये बेसिकली हाइब्रिड टोपोलॉजी होती क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल विजुलाइज हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगली टोपोलॉजी पे और समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी किसे कहते हैं। बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का इस्तेमाल हम वायरलेस नेटवर्क लिए करते हैं, बट आप इसको वायर्ड नेटवर्क में भी देख सकते हैं। वायर्ड नेटवर्क में जब दो कंप्यूटर डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे पीएल टू पीएल नेटवर्क बोलते हैं, और यदि वायरलेस नेटवर्क में दो वाईफाई डायरेक्टली जुड़े हो एक दूसरे से तो उसे पॉइंट टू पॉइंट कहा जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट की पिक्चर आप यहां देख रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब सिर्फ दो कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली इंगेज हो रहे हो, चाहे वो वायर्ड इंगेज हो रहे हो चाहे वो वायरलेस हो रहे हो। बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस में देखा जाता है, वायर्ड में यही पॉइंट टू पॉइंट जो है वो पीएल टू पीएल नेटवर्क बन जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के एक्सप्लेनेशन के ऊपर फोकस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क कॉन्फिगरेशन वेयर टू डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड अलाउइंग कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, दो पॉइंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, दो वाईफाई या दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन रही है। तो ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी को, ऐसे नेटवर्क आर्किटेक्चर को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, आपके सामने पिक्चर है, आप वीडियो को पॉज करें और प्रॉपरली नोट डाउन करें जिससे कि आपको इजिली मेमोराइज हो सके हर एक टोपोलॉजी के बारे में। तो बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपने लास्ट टोपोलॉजी के ऊपर, और लास्ट टोपोलॉजी है हमारी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। पिक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक एक्सेस पॉइंट, देखो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी ये बेसिकली वायरलेस नेटवर्क में मोस्टली देखा जाता है। आपका इंटरव्यू भी हो रहा है तो ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी को टारगेट किया जा रहा है। तो बेसिकली इंटरव्यूअर का जो माइंडसेट होगा वो ये होगा कि ये वायरलेस को डेडिकेटेड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट हमें एक्सप्लेन करे, ना कि वायर्ड के थ्रू करे। तो पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के बारे में बात कर रहे होंगे, तो यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, मतलब वायरलेस राउटर लगा हुआ है, और उस वायरलेस राउटर के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल लैपटॉप्स या मल्टीपल मोबाइल फोन्स कनेक्ट हैं, तो ऐसे नेटवर्क को ही पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहा जाता है। मतलब ये एक्सेस पॉइंट एक पॉइंट हो गया और बहुत सारे कंप्यूटर हो गए ये मल्टी पॉइंट। तो जब बहुत सारे मल्टी पॉइंट एक सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। मतलब एक एक्सेस पॉइंट बहुत सारे वाईफाई कार्ड को यदि जोड़े हुए है तो एक एक्सेस पॉइंट से मल्टीपल वाईफाई कार्ड जब कनेक्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी अ नेटवर्क कॉन्फिगरेशन वेयर अ सिंगल पॉइंट का मतलब एक्सेस पॉइंट, सिंगल पॉइंट कनेक्ट्स टू मल्टीपल अदर पॉइंट्स मतलब ऑल दीज कंप्यूटर्स, ये बहुत सारे हैं इसलिए इन्हें मल्टीपल नेम दिया गया है। तो मल्टीपल वाईफाई या मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब किसी सिंगल पॉइंट से कनेक्ट हो जाता है तो उसे पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहा जाता है। कॉन्फिगरेशन वेयर अ सिंगल पॉइंट कनेक्टेड कनेक्ट टू द मल्टीपल अदर पॉइंट्स इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नोड
मतलब सारा का सारा डेटा जो पास आउट हो रहा है, सारी की सारी जो ट्रैफिक पास आउट हो रही है वो एक्सेस पॉइंट के थ्रू हो रही है। मतलब जो इंटरनेट मुहैया किया जा रहा है वो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इसी सिंगल पॉइंट से की जा रही है। मतलब है कि इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नोड एंड सेवरल पेरिफेरल नोड्स साइमल्टेनियसली। मतलब ये जितने भी पेरिफेरल नोड्स हैं वो सारे पेरिफेरल नोड्स इस एक्सेस पॉइंट से जुड़े हुए हैं और ये एक्सेस पॉइंट सबको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी दिलवा रहा है। मतलब ये सारे पॉइंट इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी इस सिंगल पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं। जब ऐसा नेटवर्क आपको देखने को मिले कि बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे लैपटॉप्स या बहुत सारे मोबाइल फोन्स एक एक्सेस पॉइंट से जुड़े हों और सारे के सारे इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी या फैसिलिटी ले रहे हों, तो इस प्रकार के नेटवर्क आर्किटेक्चर को पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा जो विषय था वो था टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के अंतर्गत हमने बहुत सारी टोपोलॉजीज को एक्सप्लेन किया आपके सामने, इंक्लूडिंग टोपोलॉजी का एक्सप्लेनेशन, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी एक्सप्लेनेशंस एंड ओवरव्यू विद पिक्चर एंड विद ओवरऑल ओवरव्यू कॉन्सेप्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज होगा। सो आज का ये वीडियो प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।